नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज CFM राइटर्स एसोसिएशन के पेज पर आप सभी के सम्मुख एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत शाम लेकर आप सभी के बीच आई हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य सर, कुमार सुरेंद्र सागर सर जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, प्रज्ञा पांडे जी गुजरात से, मोहन सिंह कुशवाहा जी ओच कवि हैं ये कानपुर से, और प्रिंसी सिंह कोलकाता से जुड़ने वाली हैं। इस खूबसूरत शाम और इन खूबसूरत गुलदस्ते में बंधे हुए फूलों को लेकर हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे। दो शब्दों से मैं CFM राइटर्स एसोसिएशन को मेरे बहुत ही खूबसूरत और पसंदीदा पटल को मैं दो शब्दों से समर्पण देती हूँ कि खुद जलकर जो करे उजियारा, उम्मीद की जो बने पतवार। खुद जलकर जो करे उजियारा, उम्मीद की जो बने पतवार, दूर करे अज्ञान का तांडव, करे संगठित संपूर्ण समाज। जोड़कर कवि सम्मेलन की मशाल, नित छू लेता है नए प्रखर शिखर आयाम। कि दूर करे अज्ञान का तांडव, करे संगठित संपूर्ण समाज। जोड़कर कवि सम्मेलन की मशाल, नित छूता है नए प्रखर शिखर आयाम। हम आपके वैभव को नमन प्रणाम करते हैं। आपसे जुड़े रहना, CFM राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े रहना अपना सौभाग्य समझते हैं। सबसे पहले मैं दो शब्दों से समर्पण देती हूँ हमारे चेयरमैन सर, CFM राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जहांगीर आलम सर को, कि यूं तो खूब कोहराम मचा है फजाओं में, एक खूबसूरत फूल खिला है निगाहों में, आपके जैसा काव्य कोई रच नहीं सकता, साहित्य की रवानी बहती है आपकी अदाओं में। इतना खूबसूरत मंच देने के लिए मैं जहांगीर आलम सर को शत-शत नमन, वंदन, प्रणाम और शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा इस महफिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि बाद बरसों इंतजार के आज ये दिन आया है, बाद बरसों इंतजार के आज ये दिन आया है। CFM राइटर्स एसोसिएशन ने सजाई है महफिल और हमें बुलाया है, हम भी वादा आज दिल से सभी मिलकर निभाएंगे। विश्व के विशाल अंबर से चुनिंदा सितारे आज CFM की चमक को और बढ़ाएंगे, CFM की चमक को और बढ़ाएंगे। मैं जरा सा और आगे लेकर चलती हूँ अपने इसी समा को, इसी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आज की ये महफिल है, आप सभी को आनंद विभोर करने का मैं वादा करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। मैं तेरे शहर में आज बेसबब आई हूँ, तेरे शहर में आज बेसबब आई हूँ, साथ मुकद्दर की कुछ लम्हे लाई हूँ। मुस्कुराना 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 मेरी आदत है तो हो, मुस्कुराना मेरी आदत है तो हो, गीत तेरे लबों पे भी गुनगुनाने आई हूँ। मौसम तो चंद रोज ठहर कर गुजरते ही हैं, मौसम तो चंद रोज ठहर कर गुजरों में घर बनाने आई हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत शाम मैं शुरू करने से पहले सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन देती हूँ, माँ शारदे को वंदन देती हूँ, माँ भारती को नमन देती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम देती हूँ, अपने माता पिता को वंदन देती हूँ तथा इस खूबसूरत शाम को लेकर आगे बढ़ती हूँ। मैं दो शब्दों से मैं आगाज करती हूँ आज के कवि सम्मेलन को बढ़ाने के लिए। मैं सबसे पहले आवाज देती हूँ डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य सर को, दो शब्दों से मेरा समर्पण है कि तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, कोई शख्स तुमसा जमाने में नहीं, तुम्हारी लेखनी पर कुर्बान है सारा साहित्य जगत, तुमने एक पल भी बिना लिखे गुजारा नहीं। शांडिल्य सर मेरे भी गुरु समान हैं, मैं अपने गुरु तुल्य शांडिल्य सर को आवाज़ देती हूँ कि वे CFM जैसे खूबसूरत पटल पर आज की इस खूबसूरत बेला को और खूबसूरत बनाने के लिए पटल पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य सर कानपुर से। मेरे गीतों को अगर तुमने जो गाया होता, मेरे गीतों को अगर तुमने जो गाया होता, मेरे जज्बात को सीने से लगाया होता, प्रेम के गीत लिखे मैंने उनकी यादों में, प्यार का दर्द है मीठा यही पाया होता, मेरे गीतों को अगर तुमने जो गाया होता। चार पंक्तियां और देखें,
किसी का दर्द कभी हद से गुजर जाता है, नीर सागर का तभी आँख में भर जाता है। हो के मजबूर बना ले जो कहीं रेत में घर, तभी लहरों में सभी कुछ ही बिखर, तभी लहरों में सभी कुछ ही बिखर जाता है। चार पंक्तियां और देखिए। दिखे दीवानगी तेरी तो मेरा याद आती है, समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है। खता क्या थी मेरी जो दिल। प्रणाम आप सभी को, मैं डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज आप सभी के बीच एक छोटा सा काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सभी का आशीर्वाद इसको मिले। मेरा शिक्षक है, ये मेरा ही जुनू था, ये मेरा ही जुनू था। मैं एक छोटा सा मुक्तक देती हूँ कि बेचैनी थी तड़प थी बेकरारी थी, बेचैनी थी तड़प थी बेकरारी थी, मेरे महबूब में सब था बस वफा ना थी। कि बेचैनी थी तड़प थी बेकरारी थी, मेरे महबूब में सब था बस वफा ना थी। मैं तरसती ही रह गई एक नजर की खातिर, मैं तरसती ही रह गई एक नजर की खातिर, जाने वाले में सब था बस मोहब्बत न थी। कि जाने वाले में सब था मोहब्बत न थी। मेरा अगला एक और छोटा सा मुक्तक इसी श्रृंखला से, ये मेरा ही जुनून था। कि कभी वादे ना किए, कभी कभी वादे ना किए, कभी कसमें ना खाए, वो उतारता भी कैसे कुछ उधारी ना थी, और ख्वाब छूटे गई नींदे आराम पल भर ना था। ख्वाब छूटे गई नींदे आराम पल भर ना था, दिले बीमार को दवा की जरूरत ना थी, और बेवफा वो मिला ही नहीं ये कहूँ कैसे, बेवफा वो मिला ही नहीं ये कहूँ कैसे, दिले जहन से एक पल वो कभी गया ही नहीं। कि दिले जहन से वो एक पल कभी गया ही नहीं। और मेरा एक छोटा सा और मुक्तक है इसी श्रृंखला से, ये मेरा ही जुनून था से। कि फूल खुशबू चमन बहारे और गुलिस्ता, फूल खुशबू चमन बहारे और गुलिस्ता, बात सब है मगर वो किताबें ना थी, ये मेरा ही जुनू था थी मेरी ही तमन्नाएं। वो तौलता भी कैसे उसे खुदा की तलाश थी। दिले सुकून की बात थी। मेरा अंतिम बंध इसी रचना से, ये मेरा ही जुनू था से, इसी श्रृंखला में मैं अंतिम बंध देती हूँ। कि दिले सुकून की बात थी, दिले सुकून की बात थी बात किस्मत की थी। था सजदा मगर इबादत की इंतहा ना थी, और बेचैनी थी तड़प थी बेकरारी थी, मेरे महबूब में सब था बस वफा ना थी। मैं तरसती ही रह गई एक नजर की खातिर, जाने वाले में सब था बस मोहब्बत। CFM राइटर्स एसोसिएशन के इस समृद्ध पटल के संस्थापक चेयरमैन आदरणीय जहांगीर आलम साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस समृद्ध पटल पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आदरणीय अलका अरोड़ा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत संचालन करके इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज मैं एक गज़ल आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, कृपया सुनिएगा। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है, कुछ अंदेशा था नहीं वो
बात अब होने लगी है। नफरतों के ये सियासत बीज भी बोने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। कि नींद लूटी ख्वाब लूटे लुट गया चैनो अमन। नींद लूटी ख्वाब लूटे लुट गया चैनो अमन। नींद लूटी ख्वाब लूटे लुट गया चैनो अमन। दिन तो दिन अब अपना पा रात भी खोने लगी है। दिन तो दिन अब अपना पा रात भी खोने लगी है। कि टूट कर गिरते हैं तारे रोज ही धरती की ओर। टूट कर गिरते हैं तारे रोज ही धरती की ओर। देख कर हालत फलक की चांदनी रोने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। है बहुत खुद गर्ज दुनिया कौन पूछे बेसबब। है बहुत खुद गर्ज दुनिया कौन पूछे बेसबब। उस जमाने में भलाई एकदम कोने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। कि आग में जलने की नौबत आ गई दो जख्म जब। आग में जलने की नौबत आ गई दो जख्म जब। आग में जलने की नौबत आ गई दो जख्म जब। जिंदगी अपनी खता के दाग सब धोने लगी है। जिंदगी अपनी खता के दाग सब धोने लगी है। कि घूमते वहशी दरिंदे हर शहर और गांव में। घूमते वहशी दरिंदे हर शहर और गांव में। लगता है इंसानियत भी रात दिन सोने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। कि साथ कुछ जाना नहीं सागर सभी हम जानते। साथ कुछ जाना नहीं सागर सभी हम जानते। बेवजह ही बोझ फिर क्यों जिंदगी ढोने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। नफरतों के ये सियासत बीज भी बोने लगी है। कुछ अंदेशा था नहीं वो बात अब होने लगी है। धन्यवाद। प्रणाम। क्या है जो खत्म नहीं होता। क्या है जो खत्म नहीं होता। कुछ शेष नहीं अब बीच हमारे। कुछ शेष नहीं अब बीच हमारे। फिर भी जाने क्या है जो खत्म नहीं होता। फिर भी जाने क्या है जो खत्म नहीं होता। मैं रोज जलाती यादों को। मैं रोज जलाती यादों को। एक लम्हा है जो भस्म नहीं होता। एक लम्हा है जो भस्म नहीं होता। क्या है जो खत्म नहीं होता। क्या है जो खत्म नहीं होता। तोड़ दिए हर मोह के धागे। तोड़ दिए हर मोह के धागे। फिर भी जाने क्यों।
तोड़ दिए हर मोह के धागे, फिर भी जाने क्यों तुमसे दिल का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है अब तक, तुमसे दिल का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है अब तक। दिल के उस हिस्से में स्पंदन बंद नहीं होता, दिल के उस हिस्से में स्पंदन बंद नहीं होता। क्या है जो खत्म नहीं होता, क्या है जो खत्म नहीं होता। है खबर मुझे भी, है खबर मुझे भी कि तू गैर है अब मेरे लिए, है खबर मुझे भी कि तू गैर है अब मेरे लिए। पर आज भी तुम्हें सोचने का अंत नहीं होता, पर आज भी तुम्हें सोचने का अंत नहीं होता। हर सोच में हो शामिल ऐसे, हर सोच में हो शामिल ऐसे जैसे ओम बिना कोई मंत्र नहीं होता, जैसे ओम बिना कोई मंत्र नहीं होता। क्या है जो खत्म नहीं होता, क्या है जो खत्म नहीं होता। नमस्ते, सुनिएगा कि बेखबर है मगर वो खबर भी रखे, बात करते नहीं प्यार दिल में रखे, देखते छिप के पलकों के पर्दे से वो, देखते छिप के पलकों के पर्दे से वो, दर्द दिल वो छुपा कर के हमसे रखे, दर्द दिल वो छुपा कर के हमसे रखे। दूसरा मतलब देखिए, राधा बन जाओ गर प्रेम एहसास है, मीरा बन जाओ गर प्रेम विश्वास है, ढाई आखर कबीरा का इसमें भरा, ढाई आखर कबीरा का इसमें भरा, सच कहूँ दूर कर दे ये संत्रास है, सच कहूँ दूर कर दे ये संत्रास है। सुनिएगा कि प्यार उनसे जताने से क्या फायदा, बेवजह मुस्कुराने से क्या फायदा, दिल मिले ही नहीं कैसा सिकवा गिला, दिल मिले ही नहीं कैसा सिकवा गिला, इस तरह दिल लगाने से क्या फायदा, इस तरह दिल लगाने से क्या फायदा। आगे सुनिएगा कि उनके आने से मन ये मगन हो गया, सारा वातावरण वृंदावन हो गया, चांदनी खिल उठी रात रानी के संग, चांदनी खिल उठी रात रानी के संग, मरुथली मेरा जीवन चमन हो गया, मरुथली मेरा जीवन चमन हो गया। एक विपर्य का छंद देखें कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोई, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी, और राजनीति घुले जल से धुला है जितना ही, उतना ही और मटमैला हुआ आदमी, तो शकुनी की चालबाजियों का हो गया शिकार, तीली कुर्सियां बारूदी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। और मित्रों, इसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, मैं उसी सोने की चिड़िया की बात कह रहा हूँ। आप देखें कि ज्ञान धर्म कर्म, ज्ञान धर्म कर्म का बसेरा जहाँ था,
सत्य एवं अहिंसा का सवेरा जहाँ था, भाषा क्षेत्र जाति की अनेकता भले एकता का बजता ढिंढोरा जहाँ था। दुनिया को बंधुताई जिसने सिखाई थी, बुद्ध महावीर बन रोशनी दिखाई थी, वही आज भारती नीलाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। माली से ही फूल घबराए हुए हैं, माली से ही फूल घबराए हुए हैं, कली डाल पात मुरझाए हुए हैं, माली से ही फूल घबराए हुए हैं, कली डाल पात मुरझाए हुए हैं। किस पे भरोसा करे डोली की दुल्हन, डोली तो लुटेरे ही उठाए हुए हैं। द्रौपदी की चीर जब कृष्ण ही हटाएगा, द्रौपदी की चीर जब कृष्ण ही हटाएगा, कौन तब अबला की लाज को बचाएगा, कौन तब अबला की लाज को बचाएगा। यही बात आज सरेआम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। और ये बन देखे कि मंदिरों में खुला व्यभिचार हो रहा, मंदिरों में खुला व्यभिचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा, मंदिरों में खुला व्यभिचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा। खाकी वर्दी खाती है दलाली देखिए, खाकी वर्दी खाती है दलाली देखिए, देश से खत्म भ्रष्टाचार हो रहा। सीता गीता थाने में पुकार रही है, सीता गीता थाने में पुकार रही है, पर्दा रहस्य का उघार रही है, पर्दा रहस्य का उघार रही है। पुलिस की चक बेलगाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। और अंतिम चरण बेरोजगार नौजवानों के नाम, अंतिम चरण गीत का मित्रों, की डिगिरी धरी है रोजगार नहीं है, डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरोकार नहीं है। डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरोकार नहीं है। देश विपदाओं से गुजर रहा है, देश विपदाओं से गुजर रहा है, लगता है यहाँ सरकार नहीं है। डिग्री न खाएंगे आहार चाहिए, डिग्री न खाएंगे आहार चाहिए, डाकू न बनाओ रोजगार चाहिए, डाकू न बनाओ रोजगार चाहिए। कहते कहते जिंदगी तमाम हो गई, कहते कहते जिंदगी तमाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। बिल्कुल मन नहीं है आज की ये खूबसूरत शाम को यहाँ पर रोकने के लिए, लेकिन वक्त की अपनी सीमा है, वक्त की इज्जत सभी को करनी चाहिए, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। आज का कवि सम्मेलन हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ चला, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ा। डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिले सर ने अपने आशीर्वाद के पुष्पों से सभी को नवाजा। डॉक्टर कुमार सुरेंद्र सागर सर जी जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं और काव्य सरिता वो चलाते हैं, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति उनकी पत्रिका चलती है और वो बहुत ही खूबसूरती से वो अपने शब्दों को बांधा करते हैं। आज उनके संचालन में और उनके
उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ा। मैं आपको नमन वंदन प्रणाम और शुभकामनाओं के पुष्प से समर्पण देती हूँ। अगली कड़ी में हमारी गुजरात से प्रज्ञा पांडे जी जुड़ी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपना काव्य पाठ किया। इतना सुंदर समा बांधा कि रुकने का नाम नहीं था। बहुत ही सुंदर लग रहा था सभी को, सब लोग उनको और सुनना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की वही अपनी सीमा थी तो हमें उनको बीच में ही रोकना पड़ा और उन्हें फिर से उनको CFM पटल पर आने का वादा हमने किया। तब हमने उनसे गुजारिश की कि आप हमारे पटल पर आइए और अपने काव्य पाठ को वहाँ प्रेषित कीजिए। तीसरी चौथी कड़ी में हम मोहन सिंह कुशवाहा जी को धन्यवाद देते हैं, जो औज के कवि हैं और कानपुर से हमारे साथ जुड़े। उन्होंने इतना खूबसूरत औज का और देशमयी राष्ट्रभक्तिपूर्ण उन्होंने अपनी कविताओं का काव्य पाठ किया। बहुत ही सुंदर उन्होंने काव्य बांधा हमारे बीच। उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान को, हर इंसान को शत शत नमन वंदन और प्रणाम देना चाहिए। इतना सुंदर उन्होंने तिरंगे का और वंदे मातरम का उन्होंने गुणगान किया कि पूरा वातावरण ओजमय हो गया, राष्ट्रमय, राष्ट्रप्रेम भक्तिमय हुआ। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए मैं आपको नमन वंदन प्रणाम और शुभकामनाओं के पुष्प देती हूँ। प्रिंसी सिंह जी, हाँ, इनके विषय में जो कहा जाए वो ही कम है। वो इतना छोटी हैं उम्र में और इतना बड़ा धमाका किया उन्होंने, इतना सुंदर काव्य पाठ किया, इतना बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं आप। हमें लगता है, मतलब ये हम अपनी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमारी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप हमारी बिटिया की जितनी ही लग रही हैं। आपको हमारी तरफ से ये नमन और वंदन के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा बहुत ऊंचाइयों को छुएं। आप अभी आपकी शुरुआत है तो आप फर्श से और अर्श की ऊंचाइयां छुएं, आसमान तक की बुलंदियों को आप छू कर आएं और आपका हर समय चारों दिशाओं में आपका नाम हो। मैं प्रिंसेस की बहुत बहुत CFM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, नमन और प्रणाम देती हूँ। दो शब्दों से समर्पण मैं जहांगीर आलम सर की तरफ से मैं सभी कवियों को दे रही हूँ कि जी, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बिल्कुल जहांगीर आलम सर की तरफ से हैं, जो CFM राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और वो आपको नमन वंदन और प्रणाम देते हैं तथा बोलते हैं कि फूल सारे आसमान तक की बुलंदियों को आप छू कर आएं और आपका हर समय चारों दिशाओं में आपका नाम हो। मैं प्रिंसेस की बहुत बहुत CFM की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, नमन और प्रणाम देती हूँ। दो शब्दों से समर्पण मैं जहांगीर आलम सर की तरफ से मैं सभी कवियों को दे रही हूँ कि जी, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बिल्कुल जहांगीर आलम सर की तरफ से हैं, जो CFM राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और वो आपको नमन वंदन और प्रणाम देते हैं तथा बोलते हैं कि फूल सारे कदमों तले आपकी बिछाएं हैं हमने। फूल ये सभी कवियों और कवित्रियों के लिए हैं कि फूल सारे कदमों तले आपके बिछाए हैं हमने, कांटों भरी राह से आपको गुजरने न देंगे, और CFM राइटर्स एसोसिएशन का ये वादा है आपसे, आपके किरदार को आसमां की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। आप तो खिलता हुआ गुलाब हमारे चमन का बने रहे, यानी CFM राइटर्स एसोसिएशन का बने रहे। हम आपको आपके शहर से बार बार बुलाएंगे, आपके शहर से बार बार बुलाएंगे। जी हाँ, मैं भी सभी कवि कवित्रियों की ओर से CFM राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जहांगीर आलम सर को नमन वंदन प्रणाम तथा शुभकामनाओं के पुष्प देती हूँ, तथा मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सर एक बार फिर ऐसी महफिल सजाएंगे और सभी कवियों को बुलाएंगे, जिसमें डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिले सर, कुमार सुरेंद्र सागर सर, प्रज्ञा पांडे जी, मोहन सिंह कुशवाहा और प्रिंसी सिंह आपको हार्दिक धन्यवाद, नमन वंदन और प्रणाम देती हैं। मैं डॉक्टर अलका अरोरा अब आपसे इस पटल से विदा लेती हूं तथा इस खूबसूरत शाम को सजाने के लिए जो मुझे मन संचालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं ईश्वर को और जहांगीर आलम सर को मैं शशद नमन वंदन प्रणाम और शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ, तथा मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसी तरह की महफिलें बार बार सजाते रहेंगे और आप सभी के साथ बार बार जुड़ते रहेंगे। दो शब्दों से, अंतिम दो शब्दों से समर्पण है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी, अकेले हैं हम भी, अकेले हैं तुम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, कि ए वक्त दिल की बात कहूँ तो लग जाएगा बुरा तुम्हें, बहुत सुकून भरे दिन बीते पहचानने से पहले तुम्हें।